तो है हम आए शकील भाई के पास, शकील भाई थोड़े पीछे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आपका भाई केडी अल्हम्दुलिल्लाह फिट। तो अभी शाम का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं बाहर, इधर थोड़े पार्क वगैरह हैं, थोड़ा घूमेंगे। आजकल गर्मी इधर भी काफ़ी हो गया, मतलब 33 तक टेम्परेचर, 34 तक जाता है, लेकिन यह अगर रात को नॉर्मल हो जाता है। तो अभी शकील भाई ने कहा एक दो पार्क हैं उधर चलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, वैसे भी एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। तो अभी आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, ये थोड़ा बिश्केक से बाहर वाला एरिया है, तो चलते हैं। इसको इधर घुमाओ, बस ला दो। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं पार्क की तरफ, और मेरे साथ हैं शकील भाई, इधर देखें, इधर हैं अपने अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक है। बाकी यार यहाँ का सीन है कि बिश्केक में जिधर आप देखेंगे दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे, और ये नहीं कि वैसे दरख्त, मतलब फ्रूट्स वगैरह के होंगे, चेरी हो गया, और कौन कौन चलते हैं, खुबानी एवोकाडो, ये जो एवोकाडो सही है नहीं। बाकी ये अपनी एक ये फेवरेट गाड़ी है, और एक है रेंज रोवर शकील भाई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी लेंगे एक दिन, इंशाल्लाह विश होनी चाहिए ना ऐसे, तो फिर पूरी भी अल्लाह करने वाला है। वो ऊपर जो बैठा है नहीं नहीं, मुझे सिर्फ रेंज रोवर पसंद है और ये वाली जी वैगन पसंद है। तो ये हम पार्क में एंटर हो गए, उधर फुटबॉल चल रहा है। शकील भाई जो मैंने नोटिस किया है ना, मतलब यहाँ के लोग हैं जो उनको ज्यादा फुटबॉल और दूसरी चीज बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग मतलब क्रिकेट का तो उन्हें पता ही नहीं, ज्यादा उन्हें बॉक्सिंग और फुटबॉल जहाँ पे भी देखो यही खेलते रहते हैं। बाकी एक ही पार्क में ये फुटबॉल का है, ये भी फुटबॉल का है, वो आगे भी फुटबॉल चल रहा है, मतलब पूरे बिश्केक में इधर देखो फुटबॉल फुटबॉल। बाकी ये बादल शादल बने हुए हैं, बड़ा हैवी सिस्टम, और उधर सामने वो पहाड़ है, ज़ूम करके देख सकते हैं, अभी स्नो वगैरह भी है मतलब हल्की हल्की। तो ये एक जगह पे चौथा फुटबॉल ग्राउंड, और ये रनिंग वाला सीन है, वहाँ हम रनिंग कर रही है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। पहाड़ पर अभी स्नो नज़र आ रही है, बस एक दो माह, एक माह बल्कि जुलाई तक ये मौसम थोड़ा रहेगा गर्म, वो भी रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, उसके बाद फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, फिर दिसंबर तक स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी। सीन है कि लड़के लड़कियाँ जो है इकट्ठा खेलते हैं, मतलब वॉलीबॉल, इनका कुछ और तरह की वॉलीबॉल, हेलो और तरह का वॉलीबॉल है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। बाकी यार पार्क की अरेंजमेंट हैवी है, और वो सामने पहाड़ स्नो वाले नज़र आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये साइकिलिंग पाथ, ये फुटपाथ, और वो रनिंग जो भी होता है एरिया, और उधर म्यूजिक वाला सीन चल रहा है, लोग खेल रहे हैं, सुकून वाला माहौल। शकील भाई बाकी सुकून है, बिल्कुल 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 सुकून है, हैं यही बात है। बाकी यार ये चीज़ बड़ी नेक्स्ट लेवल है, और ये चीज़ हम कभी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, अगर उन्होंने ना करने दिए, बंदा आ रहा है अभी। तो शकील ने मुझे बताया कि पार्क चलना है, मैं कहा अभी कुछ लोकल सा सीन होगा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल सीन है, मतलब फुल एंजॉय कर सकता है बंदा आके, वो जो लेक वगैरह उधर, वो स्लाइडिंग वगैरह जो भी थी वो कर सकते हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर साइकिल लेके रेंट पे बड़ा के चक्कर लगाया जा सकता है। पैदल चलना तो थोड़ा थकाने वाला काम है, तो अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट कब आए तेरे शकील भाई जा रहे हैं पाकिस्तान, पता नहीं कब जाते हैं, अभी कन्फर्म नहीं, मैं नहीं जा रहा, तो उससे पहले पहले हमने आना है, और इधर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलानी है, क्योंकि मैं सोच रहा था वो नहीं लेने की, लेकिन अब नहीं नहीं लेंगे, यहाँ पे दो तीन बार चला के एक्सपीरियंस कर लेंगे, क्योंकि नहीं मैंने पता किया था अप्रॉक्सीमेटली $300 तक मिल रही थी, तो इतना खर्चा क्यों करना है, पैसे आगे नहीं है हमारे पास करीब। तो यार अभी टाइम 9 हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी अंधेरा नहीं हुआ, ये थोड़े बादल छा रहे हैं, शायद बारिश वाला सीन हो उस वजह से, तो उस वजह से थोड़ा लग रहा है कि अंधेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे अंधेरा बहुत देर बाद होता है मतलब। तो अभी वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है, वो जाके सुनेंगे, उसके बाद घर चलते हैं, भूख लगे, खाना खाते हैं। और ये उनका वॉलीबॉल अजीब खेलने का सीन है, मतलब जिससे मिस हुआ वो नीचे बैठेगा, और दूसरा डाइव मार के उसको मारेगा वॉलीबॉल, जितनी मर्जी जोर से लगे, तो इस तरह खेलते हैं।
तो फाइनली अभी यहाँ से जाएंगे वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। और दूसरे हमारे उज़ैर और अदनान जो दोस्त हैं वो भी कॉल कर रहे थे कि वापस आ जाएं, तो अभी चलते हैं वापस। बाकी जो सीन हुआ है दिखाया आपको, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो ट्राई की जा सकती हैं वो भी करेंगे, और तो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। तो फाइनली अभी वापस आ गए, अभी यहाँ से मैंने वॉलेट छोड़ गया था वो उठाएँगे, नीचे से कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं। अभी थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ेगा। बड़ी टेंशन। तो अभी हम बाहर गए थे कैंटीन पे, वहाँ से दूध और कोला और आइसक्रीम वगैरह उठाई। तो बस आज का व्लॉग यही था, फिर कभी नेक्स्ट उस जगह पे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।